छात्रों, ज्ञानपीठ परिवार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सर्दियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, सर्दी के इस मौसम में दूर दूर से चलकर यहां आए, और इसके लिए ज़रूर आपको कहीं अपने जो आज के शायर हैं दुष्यंत कुमार, उनका आकर्षण खींच लाया होगा। गांधी जी हमेशा ये कहते रहे कि हिंदी और उर्दू दोनों एक ही भाषाएं हैं, आप इसके लिए दोनों के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करिए, लेकिन जानबूझकर जब पाकिस्तान बना तो ठूंस ठूंस कर उसमें अरबी और फारसी के शब्द डाले गए। और आज तो स्थिति आकाशवाणी की और दूरदर्शन की बहुत बेहतर है, लेकिन शुरू में अगर दूरदर्शन के आकाशवाणी के कार्यक्रम आपने सुने हो, जैसा कि लोग बताते हैं और बचपन की भी धुंधली सी याद हमें भी है, कि उसमें जानबूझ के संस्कृत के शब्द ठूंस ठूंस कर भरे जाते थे। सवाल ये है कि आप भाषा का काम क्या है, किसी भी रचना का काम क्या है? संप्रेषणीयता, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तक पहुँचे तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली गई और समझी गई भाषा में लिखा जाए। आज हिंदी कविता, मैं कम से कम कहता हूँ, चाहे विचारों की दृष्टि से वो जितनी जटिल आपको लगती हो, लेकिन बोली की दृष्टि, भाषा की दृष्टि से वो कविता जनता के करीब काफ़ी पहुँच गई है। तो इस ज़्यादा समय में ना लेते हुए, सबसे पहले मैं आज के विद्वान, और बल्कि सनातन विद्वान कहना चाहिए, शमीम हनफी जी का स्वागत करता हूं, और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे आज अपना मंतव्य यहां दें। धन्यवाद। एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, हमारा नया अंक आया है, उसका जरा विमोचन यहीं बैठे बैठे आप कर दीजिए। एक और मधुसूदन आनंद जी, बादल जी, दोस्तों, बहाना तो है दुष्यंत कुमार जी पर बातें करने का, लेकिन अभी बैठे बैठे मैंने मधुसूदन आनंद जी से जब राजन माथुर का नाम सुना, तो पिछले 40-50 साल की मेरी अपनी ज़िंदगी की पूरी तारीख मेरी निगाहों में घूम गई। मेरा ख्याल है कि मैं और माथुर जी लगभग एक साथ इंदौर के दो कॉलेजों में लेक्चरर हुए थे, और राजन माथुर उस जमाने में गुजराती कॉलेज में, वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, मैं एक कॉलेज में उर्दू पढ़ाता था। वहाँ हमारे एक कॉमन फ्रेंड, मिले जुले दोस्त हमारे एक थे, श्री महन जोशी, प्रभाष जोशी के ताया के बेटे, और हम लोगों ने मिलकर हिंदी में एक अखबार भी निकाला वहाँ से, बच्चों का अखबार, और जिसको रिलीज़ किया था हमने भोपाल से। भोपाल में इंदु मेहता जी एक खातून थी, एक कॉलेज के प्रिंसिपल, हम लोग उनके मेहमान थे, और वहाँ मैं और राजन माथुर और महन जोशी और माधव गणेश प्रांजपे और बहुत से लोग जो इंदौर से गए थे, एक पूरी कहना चाहिए एक लंबी कहानी है वो। माथुर जी से उसके बाद ही मुलाकात हुई, जब दिल्ली में रहे वो तो मिलना हुआ कभी कभार, लेकिन ये एक बहुत पुराना रिश्ता, नई दुनिया, उसमें मैंने लिखना शुरू किया था। मैंने पहले, ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि मैंने पहले हिंदी में लिखना शुरू किया, और नई दुनिया में मैं एक कॉलम लिखा करता था उस जमाने में, राहुल बारपूते उसके एडिटर थे, अभय शेजलानी जी का जो अखबार वहाँ से अब भी निकलता है। तो उर्दू हिंदी का मामला ये है कि आपने उसकी तरफ इशारा किया मधुसूदन आनंद जी ने, और ये बताया कि गांधी जी ने एक दोनों जबानों की पीठ पर इतिहास का एक अजीबोगरीब बोझ हमने डाल दिया है, और दोनों के बारे में हम कुछ ऐसी धारणाएं अपने मन में हमने बिठा ली हैं जिनका सच्चाई से शायद ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है। दोनों एक ही घराने की भाषाएं हैं, एक ही दोनों सोर्स से निकली हैं दोनों भाषाएं। हज़रत अमीर खुसरो उर्दू के भी पहले कवि, एक तरह से हिंदी के भी पहले कवि हैं, बल्कि उनकी वो गज़ल तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि ये
ज़हाल मिस्की मकुन तकाफुल दोराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ रोज वसलत चूम रुकोता। अब देखिए प्योर फर्शिया नहीं है, यानी हिजर की रात बिरह की रात उतनी ही लंबी है जितने माशूक के बाल लंबे हैं, और रोज़ वसलत उससे मिलन की घड़ी उतनी छोटी है जितनी छोटी हमारी उम्र होती है। सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। तो ये आप देखें एक अजीब मिलन हुआ था। मेरे ख्याल में भाषाओं का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमारे देश में हुआ इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की कोई दो भाषाएं एक दूसरे से इतनी करीब नहीं हैं जितनी उर्दू और हिंदी, और एक दूसरे से इतनी दूर नहीं हैं जितनी उर्दू और हिंदी। तो किसी फिल्म की रचना प्रक्रिया अपने आप पर्दा ही बोलता है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें बोलने के लिए नहीं है, ख़ासतौर पर दुष्यंत को लेके। तो एक मिनट में सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये फिल्म करीब करीब 5 बरस पहले बनाई थी, और ये वृत्तचित्र नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान में जो बायोपिक की जितनी भी शैलियाँ हैं उनमें से एक ये शैली है, और दुष्यंत को आप जब फिल्म पर देखेंगे, पर्दे पर देखेंगे, फिल्म लंबी है, उसको हम समय का शायर कहते हैं, और समय निकल जाए तो कई बार अच्छी से अच्छी फिल्म भी ख़राब लगती है, क्योंकि बार बार घर से फ़ोन आने लग जाते हैं, डिनर का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा। लेकिन दुष्यंत को अगर समझना है आपको तो सिर्फ़ एक नज़्म, एक गज़ल उनकी है जिसके ज़रिए आप अंदाज़ लगा सकते हैं पूरा दुष्यंत एक तरफ। सिर्फ एक गज़ल में जो उनकी है कि खंडहर बचे हुए हैं इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ के सर पे कोई छत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। ये दुष्यंत है, और आप फिल्म देखिए। धन्यवाद। पुरानी कहानियों और ग्रंथों पर यकीन करें तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले का ये इलाका दुष्यंत और शकुंतला के दास्तान का गवाह है, और इन दोनों के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दुष्यंत का जन्म इसी जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ। गांव की ये कोठी दुष्यंत के परिवार की शानो शौकत का गवाह है। रौबीले पिता चौधरी भगवत सहाय और मां राम किशोरी ने बेटे को जब ये नाम दिया तो सारी उम्र दुष्यंत उस पर फख्र करते रहे। रईसी ठाट बाट वाले पिता को उर्दू शायरी का शौक था, लेकिन दुष्यंत पर असर पड़ा अपनी मां का। वो एक शानदार महिला थी, दुष्यंत उन्हें बीवी कहते थे। प्राइमरी स्कूल तक नजीबाबाद में पढ़े, इसके बाद नहटौर और चंदौसी में पढ़ाई, वहां से 12वीं पास की। ये आज़ादी के एक साल बाद यानी 1948 की बात है। तब तक दुष्यंत तबीयत से कुछ कुछ आज़ाद नजर आने लगे थे। कैरियर से लेकर जाती मामलों में पिता से उनकी राय अलग दिखने लगी थी, अलबत्ता वो संस्कारों की सीमा नहीं लांघती थी। इसी दौर में एक बड़ी घटना हुई जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल तो पिता की समस्या बेटे पर जिम्मेदारियों का बोझ डालने की थी। इस वजह से उन्होंने 18 साल के दुष्यंत के लिए अपने एक परिचित परिवार की सुंदर सी लड़की देखी, और 30 नवंबर 1949 को 16 साल की राजेश्वरी को दुष्यंत ब्याह कर घर ले आए।